हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज के एपिसोड में देखा ना आपने किस तरह से चिन्मय की धमाकेदार एंट्री हुई। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि बैंड बाजे के साथ एंट्री होगी और वही दोस्तों हुआ। बिल्कुल बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ जो है चिन्मय ने एंट्री ली। वही दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि जो चिन्मय है उसकी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है ईशान के साथ, क्योंकि वो तो उसको कसूरवार समझता है कि जो उसके आई बाबा हैं उसने छीने हैं। वो जो अक्का साहिब और राव साहिब हैं वो ईशान से ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके मन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं। और दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि चिन्मय की जो मनमुटाव है वो राव साहिब और अक्का साहिब से ही हैं। तो देखने में तो हम लोगों को बहुत यहाँ पर मज़ा आ रहा है कि शेर के सामने एक शवा शेर है, मतलब कि कोई तो है जो राव साहब और अक्का साहब को टक्कर देने वाला आ गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाले हैं आगे के जो भी होंगे दोस्तों। वही चिन्मय को दोस्तों एक सवी भी जो है, सवी भी उसको खटकने लग गई है, क्योंकि वो बीच में आ रही है, ईशान को सेव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो चिन्मय को जो है वो सवी की भी जो प्रेजेंस है वो खटकने लग गई है। जैसा कि आपने आज के एपिसोड में देखा होगा कि जो चिन्मय है वो बोलता है कि भाई तुम्हें सबसे पहले मुझे घर से निकालना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों, चिन्मय कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे सवी जो है वो भोसले हाउस से उसको जाना पड़े, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी ईशान को छोड़कर। इवन दोस्तों, सवी ही है जो चिन्मय को लाइन पे लाएगी, बाय हुक और बाय क्रूक दोस्तों सवी ही है जो चिन्मय को लाइन पे लाने वाली है यहाँ पर। पर दोस्तों, पता है आपको कि असली जो प्रॉब्लम है वो चिन्मय के आने से निशिकांत को होने वाली है, क्योंकि निशिकांत भी जो है प्रॉपर्टी का काफ़ी लालची यहाँ पर दिखाया गया है। और चिन्मय के आने से प्रॉपर्टी में हिस्से बिल्कुल होने वाले हैं, तो निशिकांत को यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है चिन्मय के आने से, और किसी को हो चाहे ना हो दोस्तों। वहीं दोस्तों, देखा ना आपने अक्का साहिब बेचारी कैसे चिन्मय को गले लगाते लगाते रह गई, क्योंकि चिन्मय ने गले लगाया ही नहीं अक्का साहिब को। अब दोस्तों, अक्का साहिब को शायद अब रियलाइज़ हुआ हो कि कैसे ईशान के मन में जो है ईशा मैम के प्रति उसने नफ़रत भरी, और अब वही उसके बेटे के मन में जो है वो अक्का साहिब के लिए नफ़रत है। अब शायद उसको अक्का साहिब को रियलाइज़ हो, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर रियलाइज़ होने वाला। अक्का साहिब अपनी चालें चलने वाली है, ईशान को भरने वाली है ईशा मैम के ख़िलाफ़। वो जो करती है वही वो करेगी, चाहे चिन्मय से उसकी बने चाहे ना बने यहाँ पर दोस्तों, लेकिन उसको रियलाइज़ होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के क्या थॉट है आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों रामनवमी का सेलिब्रेशन हम लोगों को दिख सकता है, जैसे कि हमें प्रोमो में दिखाया गया है कि ईशान जो है श्री राम का रोल अदा करेगा और जो सवी है वो माँ सीता का रोल अदा करेंगी। तो दोस्तों, आने वाले जितने भी एपिसोड हैं बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों चिन्मय को रावण बना दें, कोई पता नहीं दोस्तों मेकर्स का, क्योंकि लेकिन जो हमें एग्जैक्ट प्रोमो में दिखाया जाता है वो हमें एग्जैक्टली नहीं दिखाया जाएगा दोस्तों, इतना तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। लेकिन रामनवमी का सेलिब्रेशन होने वाला है, ये बिल्कुल कंफर्म है। और आने वाले जितने भी एपिसोड हैं बहुत ही धमाकेदार हैं दोस्तों। जैसे कि आज का एपिसोड था, बहुत ही माइंड ब्लोइंग एपिसोड था दोस्तों आज का। बस दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।